इन दिनों सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। आवारा गाय बाजार और सड़कों में काफ़ी संख्या में देखने को नज़र आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो कई लोग अपने पालतू गायों को शहर की ओर छोड़ रहे हैं, जिससे सड़कों में और शहरों की ओर काफ़ी संख्या में ये देखने को मिल रहे हैं। कई बार तो आवारा गाय सड़कों में बैठ रही हैं, जिससे जाम की समस्या लगातार बनती है। अल्मोड़ा में लगातार इन आवारा गायों के साथ कई पालतू गाय भी आपको नज़र आ जाती हैं। सड़कों के बीचों बीच बैठकर ये आवारा गाय जाम की समस्या भी बना रहे हैं, जिससे चलने वाले लोगों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रात के समय ये आवारा गाय कूड़े को खाते हुए नज़र आती हैं। इसके अलावा नगर पालिका के द्वारा इन आवारा गायों को कई बार बाजपुर गौ सदन छोड़ा जाता है। इस बार बाजपुर गौ सदन कब छोड़ा जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। के द्वारा समय समय पर जो आवारा गौवंश पशु हैं उनको जो हमारा एक बाजपुर में एक गौ सदन है वहाँ पर पूर्व में भी भेजा जाता रहा है, और आने वाले समय में पालिका की एक योजना ये है कि इस तरह के आवारा पशुओं को पकड़ के पुनः वहाँ भेजा जाए। इसके अलावा पालिका का ये प्रयास भी किया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में कहीं अगर उपयुक्त भूमि मिले तो उसमें एक गौ सदन का निर्माण कराया जाए, और उसमें सर्वप्रथम पहले ज़मीन का चिन्हीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है, और अगर ज़मीन मिलती है सुटेबल उपयुक्त ज़मीन मिलती है तो उसको उसमें एक उसकी DPR बना के शासन को जो है उसके लिए जो जो उसकी आवश्यक जो बजट है उसकी मांग के लिए भेजा जा सकेगा। देखिए मेन टाइम जो हम लोग जो इस तरह के आवारा पशु हैं उनको बाजपुर जो गौ सदन है वहाँ पर भेजे जाने पर पालिका द्वारा विचार किया जा रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग इस पर एक अभियान भी चलाएंगे। निश्चित रूप से इसमें पालिका और जो पुलिस प्रशासन है और जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, और चालानी और दंडात्मक कार्रवाई भी करी जाएगी। आवारा जानवरों में गाय कुत्ते और बंदर भी सम्मिलित है, तो इसको तो प्रशासन को सोचना ही चाहिए, क्योंकि शहर की छवि भी खराब हो रही है और सभी नागरिकों को दिक्कत होती है, सबको 100% लोगों को दिक्कत है इनसे। जगह जगह गंदगी करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं और कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं, तो प्रशासन को इसमें ज़रूर सुधार करना चाहिए। मेरा निवेदन है जो भी जिम्मेदार लोग हैं कृपया इस बारे में सोचें। और गाय के लिए हम लोग कई बार सुनते हैं, कहते हैं लोग गाय के लिए ये गौ सदन है ये है वह, पर यहाँ तो सब सड़कों में आवारा गाय घूमती रहती है, कृपया ज़रूर सुधार करें। नगरपालिका के EO भरत त्रिपाठी ने बताया जो अपने पालतू जानवरों को शहर की ओर छोड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवारा जानवरों को जल्द ही बाजपुर गौ सदन छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।